नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। आयुर्वेद की दवाइयाँ अक्सर हम जब खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, तो उस दवाई के नाम के पीछे ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है, कोड फॉर्म में कह लो या शॉर्ट फॉर्म में कह लो। उसमें हिंदी में भी, हिंदी का अगर नाम होगा तो हिंदी में साथ में लिखा होगा। जैसे मान लो चंद्र प्रभावटी है, तो चंद्र प्रभावटी के साथ में लिखा होगा भैर, या लिखा होगा शा ध स। इसी तरह आप अगर मुलेठी का चूर्ण लेने जाते हैं तो उसके पीछे लिखा होगा भा प्र। कोई भी ऐसी दवाई लेने जाते हैं तो उसके पीछे ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो फार्मूला है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी आयुर्वेद के किस ग्रंथ में से इसको लिया गया है, उसकी रेफरेंस, उसका क्रेडिट। यानी आप कोई भी, किसी की भी हम कोई चीज़ जब लेते हैं, खासकर कॉपीराइट चीज़ें, तो हम उनका क्रेडिट देते हैं कि ये उस वहाँ से मैंने ली है। इसी तरह आयुर्वेद की कंपनियाँ उस ग्रंथ को क्रेडिट देती हैं, रेफरेंस देती हैं कि इस ग्रंथ से हमने ये फार्मूला लिया है इस दवाई को बनाने के लिए। उससे ये भी पता चल जाता है कि ये हमारी क्लासिकल मेडिसिन है। दो तरह की आयुर्वेद में मेडिसिन होती हैं, एक एथिकल एक क्लासिकल। तो जो क्लासिकल है वो आयुर्वेद के ग्रंथों की है, प्राचीन है, उसको हमारे ऋषियों ने डिज़ाइन किया है, या पुराने ग्रंथों की है वो, उसको सभी कंपनियां बनाती हैं। तो अगर कोई मोनोपोली होती है किसी कंपनी की खास, उसने अपना पेटेंट ले रखा होता है, उसका अपना खुद का ही फार्मूला होता है, तो उसके पीछे ऐसा कोड कुछ नहीं लिखा होता। उदाहरण के तौर पे चंद्र प्रभावटी आप ले आइए, तो चंद्र प्रभावटी के पीछे आप देखेंगे हिंदी में अगर लिखा होगा तो भै र लिखा होगा। भै र का क्या मतलब है कि ये भैषज रत्नावली से लिया गया। इसी तरह कई बार चंद्र प्रभावटी और भी किसी ग्रंथ में चंद्र प्रभावटी के बारे में लिखा हुआ है, शारंगधर संहिता, ये बड़ा फेमस ग्रंथ है आयुर्वेद का, इसमें भी चंद्र प्रभावटी का वर्णन है। तो चंद्र प्रभावटी के पीछे कभी कभी शा ध स भी लिखा होता है। इसी तरह अविपत्ति कर चूर्ण, जो कि एसिडिटी में काम आता है, ये भी इसके पीछे भी भैषज रत्नागर का कोड फॉर्म लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है भैर। मुलेठी का चूर्ण ले आइए बाजार से, मुलेठी के चूर्ण के पीछे लिखा होगा कि ये भाप्र, यानी कि ये भाव प्रकाश से लिया गया है फार्मूला, कैसे इसको बनाना है, उसको उन नॉर्म्स को हमने पूरा किया है। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये हमें बताता है कि ये किस ग्रंथ का फार्मूला है। आगे से कभी भी आप मेडिसिन खरीदें आयुर्वेद की, तो उसके पीछे ऐसे कोड फॉर्म ज़रूर पढ़ना और मुझे कमेंट करना। आने वाले समय में उन कोड फॉर्म्स का भी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा एक वीडियो बना करके, कि कौन कौन से कोड फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, और उसका क्या मतलब है, ताकि आपको सीधा पता चल सके कि हाँ ये इस ग्रंथ का फार्मूला है। और फिर कभी आप चाहो उस आयुर्वेद की औषधि के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना कि इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे वो लोग बनाते हैं, कैसे किसको देना है किसको नहीं देना है, तो आप उस शॉर्ट फॉर्म को ही खाली अगर पढ़ लें और उस ग्रंथ तक पहुँच जाएँ, तो आप अपने आप सारी जानकारी जुटा सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।